ਜਾ ਰਹੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲੋ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਦੀ ਛੁੱਟ ਕੱਟਣਾ ਪਈ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਵਾ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਬਾਊ ਜਨਾਬ ਆ ਵਾਲ ਛੱਡੋ ਵਾਲ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਦੋ अमृतसर विच पुलिस कर्मचारी वालों पत्रकार दी उतारी गई पग दा मामला पखिया। पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अते वड्डे लीडरां ने वीडियो कीती वायरल। पंजाब पुलिस आए दिन ही किसे ना किसे कारनामे करके सुर्खियां विच रहंदी है। ताजा मामला है अमृतसर दे चौंकी विजयनगर दा, जिथों दे एक पुलिस मुलाजम वालों एक पत्रकार दी पग उतारी गई अते उस नाल हथों पाई हुंदे होए दी वीडियो सामने आई है, जिस ते समूह पत्रकार भाईचारे वालों बटाला रोड ते स्थित विजय नगर चौंकी सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त वीडियो नू पंजाब दे साबका उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल वालों सोशल मीडिया ते पा के इस घटना दी निंदा कीती जा रही है अते मुख्यमंत्री नू इस पुलिस मुलाजम खिलाफ कार्रवाई करन दी मांग कीती है। जदो पत्रकारा वालों पगड़ी उतारन वाले पुलिस मुलाजम नू पुछया गया तां उसने कहा कि मैनू किसे वीडियो बारे पता नहीं है अते मैं किसे दी पग नहीं उतारी। उधर दूजे पासे पुलिस दे उच्च अधिकारी भी अपने मुलाजम दा बचाव करदे होए नजर आ रहे हैं। चलो आ रहे हो चार साहब को चल जाते मेरी ते मेनू ते पता नहीं केड़ी होई सी वीडियो मेरे ते मेनू कोई पता ही नहीं के वीडियो दे मजे किहदे नाल जी ये पत्रकार नाल मेरी तो कोई भी नहीं हुई एक वीर जी पागल आई गई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ ਕੀ ਕਹਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਜਮਨ ਚਮਕ ਹੋਏ ਕੁਲੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਕਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਪੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਪਟਾ ਜੋ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਪਟਾ ਜੋ ਆਹ ਲੋ ਆ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਪੱਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਆਪੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝਗੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੜ ਪਈਆਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਟਨ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿੰਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ उधरले पासे मैं उधर दा थोड़ा जिम्मेवार मैं ते इधर बैठा चौंकी चाण के हथों पाई हो वा तुम दस दो मेरे वीर पत्रकार जो तुम आ चौंकी किसी गल पे मैं अपनी इज्जत अपनी अपनी इज्जत मैं नहीं उछाल सकता ठीक है हाथ च पड़ी फिरदा मैं अपनी उत्ते रख ली गल इन की चलो ठीक है मामला भाजी साढ़े ना मेरे परिवारक ही मैंबर आ दो मियाँ बीबी का आपस कोई प्रॉब्लम चलती पी दो जन की तो कुड़ी वाले भी इतने पहले आके बैठे से अभी बाद आए हैं मैं मुंडे वाले नाल आया सा वो मेरी फैमिली चो हाँ तो अं जिदा ही एंटर होने कुड़ी वाले जोड़े ना उन्होंने पहले ही अपने बंदे बंदे इतने बैठे ही उन्होंने जो ही एंटर होए
उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। इतने तुम वीडियो वेखोगे भी वो दो मुंडिया बड़ी बुरी तरह कुटन दिया, चार पाँच जने उन्होंने जोड़े मेरे परिवार वालों मुंडे ही उन्होंने सट्टा भी लग गई, सट्टा लग गई, पुलिस ने उन्होंने ही फड़ के अंदर करता, उन्होंने डंडे डुंडे भी मारे। एक मुंडे का जो इतने झगड़ा होया, एक दे सिर च सट लगी, सिर पाट गया तो खून वगन दिया, तुम वेख भी सकते जे। दूजे मुंडे के मूँह से सट्टा लगी, वो लक च भी सट्टा लगी, तो पुलिस ने उन्होंने ही अंदर करता, खून वगन दिया। ही मेरे परिवारक मैंबर से मैं अंदर गया, यो जाके क्या मैं क्या सर उन्होंने सट्टा लगी, खून वगन दिया, कोई उन्होंने छोटी मोटी मुढ़ली जाँच जी मेडिकल करवा दो उन्होंने, ताकि खून वगैरह जरा बंद हो जाए। मुंशी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं दसा, इन्नी गंदी तो गंदी गाल कढ़ी मैनू जी, मैं इतने सुना नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारिया सारिया भैन मातावान वेखदिया वा। तो मुड़ के मैनू अंदरों चपेड़ा मारदा बहर लग आया, बाद मेरी पग ला दी, मेनू बालों तो फड़िया उन्हें। मैं वीडियो वेखियो मैं वो वर्दी पाई सी, नाम है मुलाजम का जिन्हें मैं मुंशी कहा जाता, वैसे वो मुंशी नहीं आजयनगर विजयनगर चौंकी के मुंशी नहीं आ, वो एज ए मुंशी शायद छुट्टी पर आ, मुंशी की जगह तेन बिठाया गया वा। कुट मार क्यों की गई? मैं सिर्फ जेडे मुंडे से सट लगी सी ना, वो खून वगदा सी, मैं जाके यो कहा भी भाजी ये खून वगन दिया, यदि कोई मुढ़ली मैडिकल थोड़ा जहा करवा दौ, गर्मी के दिन आ। उठा कुर्सी तो पेंदे पहला मैं गंदी तो गंदी गाल कढ़ी, अंदरों धक्के मारदा चपेड़ा मारदा बाहर लैके आया, मेरी पग ला दी, फिर मेरे वालों तो फड़ के। तुम वीडियो वेखो कि मैं वो वर्दी की कदर की, मैं हाथ नहीं लगन दिता वर्दी को, वो जो मर्जी बा बाइट के कल तू बोले, मैं हाथ नहीं लगन दिता, वीडियो इस गल का सबूत है। तो मैं जी एक तो इंसाफ की मांग करदा पत्रकारों, आए दिन ही कितने ना कि वेखो तुम धक्के होंगे रेंगे, जो कि कोई घटना वापरती है पत्रकार पहल के आधार से उत्थे पहुँचता वा। SHO साहब आए हैं, उन्होंने सारी घटना दसी है, उन्होंने जो मौके के लोग सी उन्होंने तो भी घटना जानी है, वीडियो भी वेखी है। मैं मांग करता मेरी पग लाई गई है, सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाए। मैं सिर्फ पुलिस की नहीं, मैं अकाल तख्त साहब से भी पेश होऊंगा, क्योंकि मेरी पग के वालों की बेअदबी हुई है। मैं अकाल तख्त साहब से पेश होकर भी उत्थे भी अपने इंसाफ की मांग करूंगा। सोशल मीडिया से वीडियो वायरल हो रही है कि नौजवान ये टर्बल लगा ये पत्रकार दी, कि मामला की असल दे विच है क्या? देखो पहली गल तो यह भी पहला किसी ये मतलब नहीं वो पत्रकार हैगा, वो एक पार्टी की सपोर्ट से आया से, मुंडे का उसकी वाइफ के नाल रौला सी, जिहदी वाइफ वालों जी चौंकी दे विच दुपहरी दरखास्त आई थी, इन्होंने फोन करके उन्होंने 5 बजे का टाइम दिता से। जो दोवें पार्टियां इत्थे आईयां, ये मुंडे वालों के नाल आया, मुंडा मुंडे का भरा उसकी मां ते होया सीगा, दूजे पासे कुड़ी वाले सीगे, ये इतने कमरे के जो कट्ठे हुए ने आपस उदों ही ये लड़ पे। पुलिस ने उन्होंने फड़ के दोवां नूं बंदे इधरले पासे जिहड़ा हैगा मुंशी के कमरे से बाहर आ, क्योंकि चौंकी छोटी हैगी, इहदे च कोई जगह नहीं है, एंड चौंकी इंचार्ज जिहड़ा हैगा वो अपने ऑफिस के इन्हां दी गलबात सुन रहा सी, उदों ये जिहड़ा मुंडा हैगा ये उठ के उधर चले गया, तो इन्हें जिहड़ा अपना मुंडा बैठा सी उहनूं उठाया, मुंशी ने उहनूं मना किया भी तू इहनूं ना लगे, उत्थों इन्हां दी दोवां दी आपस तलखी हुई है, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੇ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਅਗਰ ਟਰਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰਬਨ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਰਬਨ ਲਾਉਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਉਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਬਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਅੰਦਰ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰ। ਇਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜੀ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੰਸ਼ੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਗੇਟ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ,
बिलकुल हैगा जिहड़ी इह वर्दी पाई आ असीं उहदे ते असीं राइट हैगे आ ते उहदे मुताबिक ही उहनूं आम पब्लिक ते जिहड़ा पब्लिक सर्वेंट आ उहदे च डिफरेंस है ठीक है ना असीं वर्दी पा के सगों बॉन्ड हो जांदे आ ठीक है बयान लिख रहे हैं उसी वो जो बयान हो आएगा उधर तो कभी करेंगे अमृतसर तो मुकेश मेहरा जीवे पंजाब टीवी।